आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइन रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्वी, प्रोग्राम वीकेंड विद हिदायत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बेनज़ीर हुसैन, प्रोग्राम वीकेंड विद हिदायत में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का फॉर्मेट वही है और जिसके अंदर के हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको, कुछ एक आध वीडियो क्लिप रेडी करते हैं आपके लिए, वो तमाम चीज़ें हैं क्योंकि। और आज के हम प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो भी आपको बता दें, आज हमने प्रोग्राम स्पेशल बनाया है क्योंकि आज करबला पर हमले को 24 साल गुजर गए हैं। आज के दिन जो है करबला को पामाल किया गया था बड़े बड़े मार्टन गोलों से, इमाम हुसैन सलाम के हरम को निशाना बनाया था सद्दाम मलूम ने, उसको आज 24 साल गुजर गए हैं और इसी के ऊपर पूरा जो हमने तमाम तस्वीरें और पिछली करबला और आज की करबला और तमाम चीज़ों को रेडी किया है और जालिम अपने अंजाम को किस तरह पहुँचाए, तमाम चीज़ें और वीडियो क्लिप्स वगैरह आपके लिए बना के हम लाए हैं। तो इसको अभी आगे जैसे जैसे प्रोग्राम चलेगा तो हम उसमें आपको दिखाएंगे तमाम, और इसके साथ ही लाइव कॉल्स भी खोलेंगे, आपकी भी राय लेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायद आगाज़ करते हैं अखवाले मासूमीन से, चलते हैं सिस्टर बेनज़ीर की तरफ। शुक्रिया मौसवी भाई जी। नाज़रीन, जैसे आप सब जानते हैं कि अय्याम फ़ातिमा चल रहा है, ये वो दिन है कि जहाँ पर हम अपने बारहवें आका को जनाब फ़ातिमा जहरा की शहादत का और उनके मसाइफ का पुरसा देते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट प्रोग्राम में अपनी बीबी के अकवाल आपके सामने पेश किए थे, इस बार कोशिश की है कि वो अकवाल जो मेरी बीबी की फजीलत बयान करने के लिए हमारे मासूमीन ने बयान किए हैं उनको आपकी खिदमत में पेश किया जाए और उनसे अंदाज़ा लगाया जाए कि उस बीवी का क्या मर्तबा है कि जिसको हमारा आका, हमारा रसूल, हमारा पैगंबर खड़े होकर सलाम करते थे, जिनको आज भी हमारे बारहवें आका हर रोज़ सलाम करते हैं और अपनी जद को और उनकी मुसीबत को याद करके रोते हैं। तो आइए नाज़रीन देखते हैं कि हमारे मासूमीन ने उस बीवी की फजीलत में क्या कहा है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब उनसे किसी ने पूछा कि ऐ मौला, जनाब फ़ातिमा जहरा को जहरा क्यों कहते हैं, तो जनाब फ़ातिमा जहरा को जहरा क्यों कहते हैं, तो जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस वक्त जनाब फ़ातिमा जहरा मेहराब इबादत में खड़ी होती थी तो आपके नूर आपके चेहरे से ऐसा नूर निकलता था कि जैसा कि इस तरह लगता था कि जैसा कि ज़मीन पर सितारे चमक रहे हों। सुभान अल्लाह, कितना अच्छा कॉल मेरे मौला ने फरमाया और बताया कि जनाब फ़ातिमा जहरा को जहरा क्यों कहते हैं। जनाब फ़ातिमा जहरा वो कि जब वो मसल्ले पे खड़ी हो जाएं, जब अपने अल्लाह के हजूर इबादत के लिए खड़ी हो जाएं, तो उनकी पेशानी से ऐसा नूर निकलता था कि पूरी अहले ज़मीन, पूरा रूए ज़मीन सितारों की तरह चमकती थी। और हमारे जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी बेटी फ़ातिमा जहरा मेरे दिल का टुकड़ा है, जिसने उसको अज़ियत दी उसने मुझको अज़ियत दी, और जिसने उसकी खुशनुदी हासिल की उसने मेरी खुशनुदी हासिल की, और जिसने मेरी खुशनुदी हासिल की उसने परवरदिगार की खुशनुदी हासिल की। वो अल्हम्दुलिल्लाह, कितना बेहतरीन कॉल है। यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि अगर आपने जनाब अगर आपने अल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी है तो बस इस बीबी की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करें, और इस बीबी की खुशनुदी जिसको हासिल हो जाएगी जनाब रसूल खुदा खुद ब खुद उस इंसान से राज़ी हो जाएंगे और रोज़े महशर उसकी शफा करेंगे, और जिनसे रसूल खुदा राज़ी हो जाएंगे परवरदिगार अपने महबूब से राज़ी होने वाले बंदों से क्यों नहीं राज़ी होगा। लेकिन अफसोस, क्योंकि अय्याम फ़ातिमा में ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अफसोस सद अफसोस कि जनाब रसूल खुदा जिस बेटी को अपने दिल का टुकड़ा कहते रहे, जिसको अपने जिगर का टुकड़ा कहते रहे, जिसकी खुशनुदी को अपनी खुशनुदी कहते रहे, जिसकी अज़ियत को अपनी अज़ियत कहते रहे, जनाब रसूल खुदा के वफात के बाद उसी उम्मत ने उस बीवी को इतना सताया। आगे जनाब इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद मोहतरम जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से सुना, और उन्होंने अपने वालिद मोहतरम इमाम हुसैन से सुना, और उन्होंने अपने भाई इमाम हसन से, और उन्होंने अपने वालिद मोहतरम इमाम हज़रत अली से, और उन्होंने जनाब रसूल खुदा से सुना कि जनाब रसूल खुदा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला गज़बनाक होता है जनाब फ़ातिमा के गज़बनाक होने से, और राज़ी होता है उनके राज़ी होने से।
देखिए नाज़रीन के इस अक़वाल को पहले जो मैं अक़वाल पढ़ चुकी हूँ अगर उससे मिलाया जाए तो ये बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ पर परवरदिगार आलम फरमाता है कि ऐ रसूल बता दो अपनी उम्मत को कि फ़ातिमा मेरी ख़ास कनीज़ों में से है, जिसने इसको राज़ी किया उसने मुझको राज़ी किया और जिसने इसको गज़बनाक किया उसने मुझको गज़बनाक किया। तो नाज़रीन मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा हमसे राज़ी हो जाएं, और जब जनाब फ़ातिमा ज़हरा हमसे राज़ी हो जाएंगी तो परवरदिगार भी हमसे ज़रूर राज़ी हो जाएगा। आगे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा मेरी जद मेरी दादी, अगर तुम्हें पर कोई भी मुश्किल आए कोई भी अजाब आए कोई भी ऐसी परेशानी हो जो टल ना रही हो तो जाकर दो रकअत नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद परवरदिगार की दरगाह में हाथ बुलंद करके मेरी दादी का वास्ता दो। ऐसी कोई दुआ नहीं सिवाय मौत और ज़िंदगी के कि परवरदिगार तुम्हारी दुआ को कबूल ना करे। तो नाज़रीन इसमें हमें ये नसीहत मिलती है कि जब हम पर मुसीबतें आएँ तो अपनी बीबी को दो रकअत नमाज़ पढ़कर हदिया करें और परवरदिगार के दरगाह में दो रकअत नमाज़ पढ़कर उसकी दरगाह में हाथ बुलंद कर कहें कि ऐ परवरदिगार मैं तुझे उस ज़ात का वास्ता देता हूँ कि जिसको तूने रसूल अल्लाह को हुक्म दिया कि अगर किसी ने इसको गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया, अगर किसी ने इसको खुशनुदी अता की तो उसने मुझे मेरी खुशनुदी हासिल की, तो मैं उसी ज़ात का वास्ता देता हूँ और उसी ज़ात का वास्ता देती हूँ कि जो खातून जन्नत की सरदार है मेरी मुश्किल इसके सदक़े में दूर फरमा दे। नाज़रीन आखिर में बस एक कॉल कहना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि इससे ज़्यादा बड़ी फजीलत मुझे नहीं लगता कि कोई भी बयान कर सके जनाब फ़ातिमा ज़हरा की। जनाब फ़ातिमा ज़हरा की फजीलत अगर इस कॉल को आप समझ जाएँ तो आपको और मुझे कुछ ज़्यादा बयान करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जनाब फ़ातिमा ज़हरा की फजीलत इस एक कॉल में छुपी हुई है। यहाँ पर हमारे इमाम कहते हैं कि औरत अगर बेटी हो तो अपने बाप के लिए रहमत होती है, बीवी हो तो शौहर के निस्फ ईमान की वारिस होती है, और अगर माँ हो तो उसके कदमों के तले उसकी औलाद की उसके बच्चों की जन्नत होती है। अब ज़रा गौर कीजिए जनाब फ़ातिमा ज़हरा वो हस्ती हैं वो अजमत रखने वाली खातून हैं कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा की क्या शान है कि वो अपने बाप के लिए रहमत हैं जो ख़ुद पूरी कायनात के लिए रहमतुल आलमीन है, और उस शौहर के लिए निस्फ ईमान है जो ख़ुद कुल्ले ईमान है, और उन बेटों के लिए जन्नत और उन बेटों के लिए उनकी कदमों के तले उनकी जन्नत है जो ख़ुद जवाना ने जन्नत के सरदार हैं। तो आप मुझे बताइए कि वो हस्तियां कि जिनके लिए परवरदिगार ने ये पूरी कायनात को खल्क किया, अगर जनाब फ़ातिमा ज़हरा की ज़ात से अगर उन हस्तियों को हटा दिया जाए तो वो हस्तियां नामुकम्मल हैं, तो मुझ जैसे इंसान की और आप जैसे इंसान की क्या औकात है। बस इसी के साथ यहाँ पर मैं अक़वाले मासूमीन सेगमेंट अपना ख़त्म करती हूँ कि परवरदिगार आलम हमें जनाब फ़ातिमा ज़हरा की खुशनुदी हासिल करने की तौफीक दे और जिससे जनाब रसूल खुदा हमारे पंजदन पाक हमसे राज़ी हों और परवरदिगार भी हमसे राज़ी हों। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जी मंसूर भाई बहुत शुक्रिया। ये तो अख़वाल मासूमीन आप सुन रहे थे और इस वक्त प्रोग्राम में टाइम हुआ चाहता है कुछ मुख्तसर सी न्यूज़ का, और न्यूज़ के साथ हम शुरू करेंगे इस वक्त ख़बरें, क्योंकि आज बहुत अहम दिन है। आज करबला पे सद्दाम के हमले को 24 साल गुजर गए, क्योंकि ये हमला आपने देखा ये 1991 में आज के रोज़ हुआ था और उसके ऊपर मार्टर शेल जो है मार्टर गोले दागे गए थे इमाम हुसैन सलाम के हरम पर, कि जिनके लिए पूरी दुनिया के दिल पूरी दुनिया के जो मुहिम है जो आशिक रसूल हैं उनके दिल धड़कते हैं, क्योंकि सबको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी वा अना मिन अल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो अजर रिसालत का हुक्म कुरान में दिया गया कि तुम अगर जो मत हम तुमसे इसके अलावा कोई अजर नहीं मांगते कि तुम्हारी कराबतदारों से मवद्दत रखो, उनके फरामीन पे अमल करो, उनको अपना उस्वा करार दो, मगर उसके बदले में आपने क्या देखा कि अजर रिसालत इस मलून ने जो है वो मार्टर गोलों की सूरत में दिया, करबला को ढाने में कोई कसर इसने बाकी नहीं रखी, जो कि हम अभी कुछ फुटेज हैं आपकी नज़र करेंगे जब ख़बरों से वापस आएंगे तो हम आपको तमाम चीज़ें दिखाएंगे। तो आज इस साने को जनाब 24 साल पूरे हो गए हैं इस अंदोनाक इस अलमनाक वाक़े को, और तमाम पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान बसते हैं जो भी आशिक़ रसूल अपने को कहते
कहते हैं, उनके दिल आज तक इस सदमे की वजह से जो है वो गमगीन हैं और दिलखराश हैं। तो और आगे चलेंगे खबरों में, तकरीर से खबर है जनाब। तकरीर के अंदर जो है वो घमसान की जंग हो रही है और उसके साथ ही मैं एक खबर इसके साथ इसी के उसमें ज़मीन में जो है वो बयान करूँगा कि कहते हैं एक अहले सुन्नत कबायली सरदार का बयान है, CNN का रिपोर्टर कहते हैं कि उसने कहा कि मेरे बेटे पोते और ख्वातीन जो है वो दाइश ने ज़िबह किए हैं और कहते हैं कि अब दाइश का जो है वो खात्मा हफ्तों की नहीं दिनों की बात रह गई है और जिस तरह से जवान जो है वहाँ लड़ रहे हैं जिसमें अहले सुन्नत जवान भी शाना बशाना शरीक है उस जिहाद के अंदर, और तकरीर अब चंद दिनों के अंदर मुकम्मल दाइश की निजासत से पाक हो जाएगा। और इसी के साथ ही कहते हैं इराकी कमांडर कहते हैं कि अगर ईरान बर वक्त इमदाद ना करता तो आज पूरा इराक जो है वो दाइश के कंट्रोल में होता। और एक और ख़बर शामिल करेंगे इराक से ही है कि अमरीकी इत्तेहाद के फ़िज़ाई हमले में इराक के 50 फौजी जहां भाग हुए हैं। नाज़रीन ये कोई पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी इस टाइप के हमले होते रहे। ये इत्तेहाद बनाया था इन्होंने ये कहकर कि ये दाइश की सरकूबी करेंगे, मगर सब ने देखा कि उसमें असला दाइश के इलाकों में फेंका गया और ये कहकर के कि ये गलती से मिज़ाइल फायर हो गए, गलती से फायरिंग हो गई, तो उसमें निशाना दाइश को नहीं इराकी फ़ौजियों को ही बनाया जाता रहा। बहरहाल अब वो उनका ये जो उज़्र है ये भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि तकरीर से अनकरीब और पूरे इराक़ से सूबह सलाउद्दीन वगैरह से तमाम दाइश के अरकान का सफाया हो जाएगा क्योंकि उनको अब वहाँ पर सर छुपाने की कोई जगह मैसर नहीं आ रही है। अंसारुल्लाह की जो है वो सऊदी सरहद के करीब फ़ौजी मशक़ें शुरू हो गई हैं जिसकी वजह से सऊदी फ़ौजी अलर्ट हो गई हैं क्योंकि ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब ये रियाज के अंदर अंसारुल्लाह के यानी हौसियों के यमन में जो इंकलाब आया उसके लिए ये ख़तरा महसूस करते हुए पूरी अरब लीग का इजलास इन्होंने कॉल किया और वहाँ पर उसको बैठेंगे, तो उन्होंने उसी डेट के ऊपर सऊदी सरहद के करीब फौजों का हुक्म फौजी मशकों का हुक्म दिया है और वह जो फौजी मशकें हैं वो वहाँ पर ज़ोरों शोर से शुरू हो गई हैं। और ख़बर है कि दाइश का अपने अफराद को फरार हो जाने का मशवरा, क्योंकि इराक चूँकि आपको पता है कि मैदानी इलाका है, सहराई इलाका है, तो वहाँ पहाड़ी इलाका नहीं है, तो उसकी वजह से कि वो दर्रों में चले जाएंगे अफगानिस्तान की तरह छुप कर प्रॉक्सी वॉर लड़ते रहेंगे, तो या तो वहाँ मारे जाएंगे या उनके ऊपर कोई और जो है वो चॉइस नहीं है। तो अभी भी जो उनको भागने के जिन इलाकों से रास्ते हैं उन्होंने उनको मशवरा दिया है कि वो वहाँ से चूँकि उनका बोको हराम के साथ पैक्ट हो गया तो वो कहते हैं कि अफ्रीका की तरफ निकलें और वहाँ से भाग जाएँ क्योंकि 85% एरिया जो है वो सीरिया का भी आज़ाद हो चुका है, दाइश वहाँ भी ख़त्म हो चुकी है और जो छोटे मोटे ग्रुप रह गए वो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो जो सीरियन फोर्सेस हैं उनके कंट्रोल में मुकम्मल आ जाएंगे। तो इस तरह से सीरिया और इराक़ पर जो इनकी मज़मूम शरारत थी उसका कला कमा अनकरीब जो है वो आप इंशाल्लाह अपनी आंखों से देख लेंगे, वो हो जाएगा। और कहते हैं कि ईरान दुनिया के 5 अहम आबी रास्तों पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है, ये कह रहे हैं ईरान बहरिया के कमांडर। तो ये कुछ आज ज़्यादा हमने खबरें शामिल नहीं की क्योंकि हमारे प्रोग्राम में आगे जो है बहुत सारी तस्वीरें हैं इसी के ऊपर कि किस तरह से इन्होंने करबला पे हमला किया, किस तरह रोज़े को मिसमार करना चाहा, मगर खुदा का आप इंतकाम देखेंगे जिस शख्स ने ज़ोम में आकर करबला पे हमला किया, आबी जो मार्टर शेल फायर किए और बेदरीख लोगों का कत्लेआम कराया, आज उसकी खबर का नामो निशान भी मिट चुका और करबला अपनी आबोताब से जो है वो सबके सामने मौजूद है और उसमें बेपनाह जो है वो इजाफा होता ही चला आ रहा है। तो ये इन तमाम चीज़ों को दिखाएंगे और एक वीडियो क्लिप्स भी दिखाएंगे क्योंकि ये हमेशा शेल्टर लेते रहे अपने आप का, अपनी तंजीमों का नाम अहले सुन्नत जमात रखते रहे, हालांकि हमारे सुन्नी भाई मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर कहते रहे कि ये सुन्नी जमात नहीं है, अहले सुन्नत नहीं है, झूठा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने भी तय किया कि हम इनको जाली अहले सुन्नत वाल जमात कहेंगे, अहले सुन्नत जमात हम भी नहीं कहेंगे क्योंकि ये अहले सुन्नत जमात नहीं है। तो सिपाह साहबा के जो एक मौलाना है उन्होंने एक और कारनामा अंजाम दिया है, वो ये खबर है साहब के सिपाही साहबा के मरकज सिद्दीक अकबर ये कराची में जो मस्जिद सिद्दीक अकबर है जो सिपाही साहबा का हेडक्वार्टर है वहाँ सिद्दीक अकबर के मौलवी सिपाही साहबा के जिम्मेदार मोहम्मद आसिफ साहब ने सरजानी टाउन सेक्टर बी में एक बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया है। तो इस खबर को भी शामिल करेंगे और दाइश की वो तमाम चीज़ें जो कि वो हम आपको दिखाते रहेंगे किस तरह औरतों के लिबास पहनकर जब मौत का वक्त आता है जो ये वही लोग हैं जो अल्लाह के नाम पर लोगों को ज़िबह करते हैं, उनको ऊपर से फेंक देते हैं, टावरों पर से फेंका, ज़मीन में जिंदा जरगोर किया, उनको गाड़ियों के साथ बांध के घसीटा और जब अपनी मौत का वक्त आया तो शहादत के नारे लगाने वाले किस तरह औरतों के लिबास में फरार होते हुए पकड़े गए, तो उनकी भी कुछ तस्वीरें शामिल करेंगे, इन तमाम चीज़ों को दिखाएंगे एक सेगमेंट के बाद। तो यहाँ पर हमारी न्यूज़ जो है वो इख्तिताम को पहुँच रही है और टाइम हुआ जाता है सेगमेंट उमूर ज़िंदगी का, तो चलेंगे सिस्टर बेनज़ीर की तरफ। शुक्रिया मुस्वी भाई।
जी नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है कि अय्यामे फ़ातिमा चल रहा है, तो मैंने सोचा कि औरत के बहुत अहम तीन और चार पहलू हैं। औरत या तो बेटी होती है, या बहन होती है, या बीवी होती है, या माँ होती है, और इन सब में जो सबसे बेहतरीन पहलू है वो उसका माँ होना है। माँ होने का जितना अहम रुतबा अल्लाह ने उसको दिया है, उससे ज़्यादा बड़ा रुतबा कोई नहीं है। हर रुतबा अपनी जगह अहम है। अगर वो किसी की बीवी है, ये रुतबा भी बहुत बड़ा है। अगर वो किसी की बहन है, ये रुतबा भी बहुत बड़ा है। लेकिन माँ का रुतबा एक ऐसा रुतबा है कि जिस जो बाकी रुतबों से बहुत आगे है। तो आज जो मैंने इस अमूर ज़िंदगी में जो सेगमेंट, जो चीज़ें तैयार की हैं, वो यही तैयार की हैं कि देखा जाए कि माँ की फजीलत क्या है। क्या वाकई आजकल की जो ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ चल रही है, क्या हम अपने माँ को उतनी फजीलत दे पाते हैं जितनी हमें देनी चाहिए? क्या हमारा शरई और हमारे अख़वाल मासूमीन और जो हमारे जनाब फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी है, जो हमारे इमामों की ज़िंदगी है, उन्होंने हमें माँ के रुतबे के बारे में क्या बताया है? सबसे पहले मैं शुरू करूँगी हमारे चौथे इमाम जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के वाक़े से, कि जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे। यार कई रिवायतों में हैं कि सिर्फ 6 माह के थे जब उनकी मादरे गिरामी जनाब शाह जन्नान, या जिनको शहर बानो भी कहा जाता है, उनका इंतकाल हो गया था। तो जनाब सैयद सज्जाद को जिन्होंने पाला, वो एक उनकी जिन्होंने उनको पाला वो उनकी बहुत इज्जत करते थे। कहते हैं कि जब जनाब सैयद सज्जाद दस्तरखान पे बैठते थे, उस वक्त तक वो उस खाने की प्लेट को हाथ नहीं लगाते थे जब तक कि उनकी वो पालने वाली माँ उस खाने की प्लेट को हाथ नहीं लगाती थी। एक बार किसी ने पूछा, एक ग़ुलाम ने पूछा, उसने हाथ जुड़कर कहा कि मौला, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको मैंने देखा है कि जब तक आपकी मादरे गिरामी, जो उनकी सगी माँ नहीं थी, जब तक वो उस खाने की प्लेट को हाथ नहीं लगाती, आप नहीं लगाते। उन्होंने कहा कि इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे पाला है, पालने की भी इतनी अज़मत है कि वो मेरी माँ के दर्जे पे फ़ायज हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हो सकता है कि जिस चीज़ को मैं उठाना चाहता हूँ, हो सकता है मेरी माँ वो ही चीज़ खाना चाहती हो, इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि पहले मेरी माँ उस चीज़ का इंतखाब कर ले कि उसको क्या चाहिए, वो अपनी प्लेट में निकाल ले, उसके बाद मैं उस चीज़ को हाथ लगाऊँ। अल्लाह अकबर, कितना रुतबा दिया जनाब सैयद सज्जाद ने अपनी उस माँ को कि जिन्होंने उनको जन्म भी नहीं दिया, सिर्फ उनको पाला। और जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम, उनके पास बहुत सारे गुलाम थे। जैसे मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया कि वो बहुत सारे गुलाम ख़रीदा करते थे, इसलिए कि वो ग़ुलामों से कहा करते थे कि शाम को जाकर मदीने के घरों में अहले बैत की फजीलत को बयान करो, इसलिए वो ग़ुलाम ख़रीदा करते थे। तो उनके घर में बहुत सारे ग़ुलाम थे, लेकिन जब भी उनको प्यास की शिद्दत महसूस होती थी तो जनाब सैयद सज्जाद अपनी माँ को बुलाते थे और कहते थे कि ऐ मादरे गिरामी, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, कि आप मेरे लिए पानी लेकर आएँगी। एक बार एक उनका बहुत ही वफ़ादार ग़ुलाम उनके पास आया, उन्होंने कहा कि ऐ मौला, आप इस वक्त के इमाम हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर यह पूछना चाहूँगा कि हमारे होते हुए आप अपनी माँ को ये तकलीफ़ क्यों देते हैं और उनसे क्यों कहते हैं कि आप जाकर मेरे लिए पानी लेकर आएँ? तो जनाब सैयद सज्जाद ने कहा, क्योंकि अगर मैं तुमको ये बता दूँ कि एक प्यासे को पानी पिलाने की फजीलत कितनी है, तो तुम हमेशा मेरे लिए पानी लाने की कोशिश करो। मैं इसलिए चाहता हूँ कि मेरी माँ मेरे लिए पानी लेकर आए। जितना पानी पिलाने वाले को सवाब अल्लाह देता है, मैं चाहता हूँ कि वो सवाब मैं अपनी माँ को दूँ और मेरी माँ वो सवाब कमाए और अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद करे। जनाब सैयद सज्जाद के इस वाक़े से मुझे इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का कौल याद आता है कि जनाब इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐशियो, अगर तुम अपने माँ पर कोई करम करना चाहते हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ को के दर्जात अल्लाह ताला बुलंद करे, लेकिन उसका ज़रिया तुम बनो, तो जब भी तुमको प्यास लगे अपनी माँ को आवाज़ दो। चाहे जितने भी ग़ुलाम या कनीज़े तुम्हारे घर में हो, अपनी माँ से कहो कि वह तुम्हारे लिए पानी लेकर आए, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे माँ के दर्जात को बुलंद करता है। तो देखिए नाज़रीन, कि यहाँ पर जनाब सैयद सज्जाद ने हमें कितनी खूबसूरत बात बताई कि हम अपने माँ की खिदमत करने के साथ साथ एक ऐसा छोटा सा अमल अंजाम दें, एक छोटा सा अमल अंजाम देने की वजह से अल्लाह ताला हमारी माँ के दर्जात को बुलंद कर देगा। जी नाज़रीन,
हमारे पास अपनी, हम अगर चाहे भी अपनी पूरी ज़िंदगी भी गुजार दें तो हम अपनी माँ की उस आह की कमी, उस आह का बदल नहीं दे सकते जो उसने हमें पैदा करते हुए उठाई है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जिस, इसलिए मैंने इस सेगमेंट का नाम अमूर ज़िंदगी रखा है, जहाँ पर बच्चों के फ़र्ज़ हैं कि अपनी माँ की फ़र्ज़ पूरे करें, वहाँ पर माँ का भी फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे। क्योंकि अगर माँ अच्छी तरबियत देगी तो वही बच्चा बड़ा होकर उसकी उसके साथ इखलाक से पेश आएगा, उसके साथ नरमी बरतेगा। लेकिन अगर माँ सारा वक्त अपना किसी के साथ गइबत करने में गुजार देगी, या फिर माँ अपना सारा वक्त सिर्फ टीवी देखने में गुजार देगी, या कोई ऐसा काम करे जो नाज़ेबा हो, तो बच्चे ऐसी माँ की क्या कदर करेंगे। जहाँ पर बच्चों का ये फ़र्ज़ है कि माँ कुछ भी कहे, बाप कुछ भी कहे, वो उफ़ तक ना करें, वहाँ तक मेरी बहनों हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चे को ऐसी तालीम दें कि कल को बच्चा एक बाइख़लाक इंसान बन सके। यहाँ पर मैं एक और जनाब फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि वो बेहतरीन माँ है जिसकी जिसकी कोख से और जिसकी गोद से एक ऐसा बच्चा निकले कि पूरी कौम पे भारी हो। उनका कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा बच्चा हो कि जिसका इखलाक, जिसके अहकाम, जिसके जिसकी नमाज, जिसका रोज़ा पूरी उम्मत के सामने अगर रख दिया जाए तो उसका पलड़ा भारी हो। मतलब जनाब फ़ातिमा ज़हरा यहाँ पर कहती हैं कि ऐ दुनिया की औरतों, अपने बच्चों को ऐसी तालीम दो कि लोग फ़ख्र करें कि ये उस माँ की औलाद है। जनाब फ़ातिमा ज़हरा की अगर हम ज़िंदगी पे नज़र डालें तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने अपने हर हर किरदार को, जब वो बेटी थी तब भी उनकी इतनी अज़मत थी कि जनाब रसूल खुदा उनकी अज़मत में खड़े हो जाया करते थे। जनाब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ फ़ातिमा, मैंने जैसा तुमको पाया मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इतना खुश नसीब कोई शख्स होगा जिसको तुम्हारे जैसी जौजा मिली हो। जनाब हज़रत इमाम हसन हुसैन ने अपनी माँ के बारे में ये कहा कि हमारी माँ जैसी माँ दुनिया में, हमारी जो औलादें हैं उनमें भी किसी को हमारी माँ जैसी माँ नहीं मिलेगी। जनाब फ़ातिमा ज़हरा एक ऐसी शख्सियत थी। तो मैं अपनी नाज़रीन बहनों से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि हम उन फ़ातिमा की मानने वाली हैं कि जिसने अपनी ज़िंदगी में हर हर पहलू को ऐसे निभाया कि ना बाप को कभी शिकायत हुई, ना बेटों को कभी शिकायत हुई, ना शौहर को कभी शिकायत हुई, यहाँ तक कि पड़ोसियों को भी कभी शिकायत नहीं हुई। तो हमें अपने किरदार को इतना बुलंद करना चाहिए कि जब हम इस दुनिया से रुखसत हों तो हमारा बाप भी हमसे खुश हो, हमारा भाई भी हमसे खुश हो, हमारी औलाद भी हमसे खुश हो, और हमारा शौहर भी हमसे खुश हो, और हम अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करके जाएँ कि कल को जब हम मर जाएँ तो हमारे लिए सदकाए जारिया बने। जी नाज़रीन, बस एक अदना सी कोशिश थी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कोशिश पसंद आई हो। यहाँ पर अब हमारे पास एक मुख्तसर से छोटे से वक्फे का टाइम हुआ जाता है, अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।